वेलकम टू हॉररलैंड। आज जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इस मूवी का नाम है हवाना डार्कनेस। ये एक हॉरर सस्पेंस मूवी है जो कि गेम के ऊपर बेस्ड है। असल में देखा जाए तो ये मूवी एक स्लैशर मूवी है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको ये मूवी ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस मूवी की कहानी शुरू होती है कुछ लाइन से जो कि एक फेमस नॉवलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने लिखी हुई थी, और इस लाइन में लिखा हुआ था कि दुनिया में सबसे बड़ा शिकार होता है इंसानों का, और जो लोग इंसानों को शिकार कर पाते हैं उन्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं होती है। फिर हम एक लेडी के चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं जिसका नाम ज़ेर था, और ज़ेर के एक पैर में एक एरो आर पार हो गई थी और दर्द के मारे तड़प रही थी। ज़ेर किसी से डर के भाग रही थी और उस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन उसे वहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। फिर ज़ेर उस एरो को धीरे धीरे अपने पैर से बाहर निकालती है, जिस वजह से उसके पैर से और भी ज़्यादा खून निकल रहा था। और तभी एक मास्क मैन एक तलवार लेकर ज़ेर के पास में आने लगता है। ज़ेर उस आदमी से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि वो आदमी उसे न मारे, लेकिन फिर भी वो मास्क मैन उसी तलवार से ज़ेर के टुकड़े टुकड़े करके उसे जान से मार डालता है। सीन कट होता है और कहानी कुछ दिन के बाद न्यूयॉर्क सिटी से शुरू होती है, जहाँ पर हम इवान, जॉन और कैरन को देखते हैं। और आज इवान का बर्थडे था तो इसलिए उसका दोस्त जॉन और जॉन की गर्लफ्रेंड कैरन उसे मिलने के लिए आए हुए थे। जॉन यहाँ पर अपने एक कॉलेज प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और फेमस नॉवलिस्ट अर्नेस्ट के कुछ हैंडमेड सीक्रेट नोटबुक पर रिसर्च कर रहा था। अर्नेस्ट के उस हैंडबुक के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, और अर्नेस्ट ने उस बुक को क्यूबा के हवाना में लिखा था, तो इसलिए इवान क्यूबा जाने के बारे में सोच रहा था ताकि उस बुक के बारे में कुछ और डिटेल उसे पता चल सके। और कैरन और जॉन भी इवान को क्यूबा चले जाने को बोल रहे थे। फिर कुछ देर के बाद में जॉन इवान को एक रिंग दिखाकर ही कहता है कि वो कैरन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है, क्योंकि दोनों बहुत सालों से एक रिलेशनशिप में है। इवान भी जॉन के इस डिसीजन से बहुत ही खुश था, और उसके बाद में सभी लोग रात को 7 बजे इवान के बर्थडे के लिए मिलने का डिसाइड करते हैं। कैरन और जॉन के जाने के बाद में इवान जोशुआ नाम के एक आदमी की एक बुक शॉप में जाता है, जहाँ पर उसे अर्नेस्ट हेमिंग्वे के हैंडमेड बुक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली थी। बुक शॉप में इवान को जोशुआ नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर उसे जिम नाम का एक आदमी मिलता है जो कि खुद को जोशुआ का दोस्त बता रहा था। जिम इवान से कहता है कि जोशुआ कुछ दिनों के लिए वेकेशन बनाने गया हुआ है, और अब जोशुआ वहाँ पर नहीं था तो जिम ही इवान को अर्नेस्ट की बुक के बारे में बताने लगता है। जिम के पास में अर्नेस्ट की वो हैंडमेड बुक भी थी जो वो इवान को दिखाता है, और उस बुक का नाम हवाना डार्कनेस था, और बुक अर्नेस्ट की थी क्योंकि उस बुक पर अर्नेस्ट का सिग्नेचर भी था। उस बुक में डार्कनेस, पेन, हॉरर और इन सब बातों के बारे में लिखा हुआ था, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि अर्नेस्ट ने खुद ये बुक जोशुआ के ग्रैंडफादर एंटिनो को दी थी। जिम इतनी इंपॉर्टेंट बुक को भी इवान को ले जाने देता है ताकि वो उस बुक के रियल मतलब को ढूंढ सके, और उस बुक को पाकर इवान बहुत ही ज़्यादा खुश था, और वो बुक को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि जोशुआ किसी वेकेशन पर नहीं गया है, उसे तो जिम ने एक रूम में कैद करके रखा हुआ था, और ये जिम कौन था ये हमें आगे पता चलने वाला है। अब घर आने के बाद में इवान उस बुक को पढ़ने लगता है जहाँ पर क्यूबा के एक हवाना नाम के घर के बारे में लिखा हुआ था। बुक में कहा गया था कि वो जगह एक इविल प्लेस है, और इवान जब उस जगह के बारे में इंटरनेट पर देखता है तो उसे इंटरनेट पर बहुत ही डिस्टर्बिंग इमेजेस देखने को मिलती है। फिर उसके बाद शाम को इवान जॉन और कैरन से मिलता है, जिन्हें वो अर्नेस्ट की उस बुक के मिलने के बारे में बताता है। अब उस बुक की असलियत पता लगाने के लिए इवान क्यूबा जाने वाला था, और जॉन और कैरन को भी इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसलिए वो दोनों भी इवान के साथ में क्यूबा जाने वाले थे। यहाँ पर जॉन का प्लान था कि वो क्यूबा जाकर वहाँ कैरन को प्रपोज करेगा। फिर अगले दिन तीनों क्यूबा पहुँच जाते हैं, और सभी वहाँ के प्लेसेस को बहुत इंजॉय कर रहे थे। तीनों वहाँ रहने के लिए एक रूम को भी रेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पर वाईफाई कनेक्शन नहीं था तो इसलिए वे लोग न्यूयॉर्क में कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वे लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इवान को उस बुक में हवाना हाउस का एक फ़ोटो मिलता है जहाँ पर एक समय पर अर्नेस्ट गया हुआ था, तो इसलिए इवान भी उस घर में जाने के लिए निकल जाता है। जॉन पहले तो इवान के साथ में नहीं जाना चाहता था, लेकिन कैरन को इवान के साथ जाता देखकर वो भी उनके साथ में निकल जाता है। अब सबसे पहले इवान एक गाइड से मिलता है जो उन्हें एक घर दिखाता है जहाँ पर अर्नेस्ट कुछ दिनों के लिए रुका हुआ था, और फिर इवान उस घर के कुछ फ़ोटोज खींच लेता है। लेकिन इवान को मेनली हवाना हाउस जाना था,
और वहाँ उस घर के बारे में भी कुछ डिस्टर्बिंग चीज़ें लिखी हुई थी। फिर अब कैरन और जॉन एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इवान अभी भी उस प्लेस को घूमने में ही लगा हुआ था। इवान वहाँ पर एक अफ्रीकन बॉय लॉरिस से मिलता है, जिससे पूछता है कि यहाँ पर इंटरनेट कहाँ पर अवेलेबल होगा। क्योंकि इंटरनेट नहीं होने की वजह से इवान हवाना हाउस को नहीं ढूंढ पा रहा था। लॉरिस इवान को अपने घर लेकर जाता है और उसे अपने घर का इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है। वहाँ पर इवान को हवाना हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन लॉरिस से मिलती है और उसे इंटरनेट से हवाना हाउस का एड्रेस मिल जाता है। लॉरिस उसे बताता है कि उस घर में कोई भी नहीं जाता है और वहाँ पर अंदर क्या होता है ये बात किसी को भी नहीं पता है और कई सालों से वो घर अबैंडन है। फिर कुछ देर के बाद में इवान हवाना हाउस तक पहुँच जाता है और वहाँ के फोटोज लेने लगता है, लेकिन वो उस समय घर के अंदर नहीं जाता है। फिर वो घर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं खुलता है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि कोई पर्सन घर के अंदर से इवान को देख रहा है और वो पर्सन इवान को हर जगह फॉलो भी कर रहा था। इवान तो उस पर्सन को नोटिस भी नहीं करता है। फिर रात को जब इवान अपने रूम में आता है तो देखता है कि पास के अपार्टमेंट में कोई एक पर्सन उसको देख रहा है। फिर इवान की नज़र उस पर पड़ते ही वो पर्सन वहाँ से चला जाता है और तब इवान भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। अब अगले दिन इवान उस हवाना हाउस की हिस्ट्री के बारे में जॉन और कैरन को बताता है। वो हाउस 1958 से अबैंडन है क्योंकि पुलिस को वहाँ पर 5 लोगों की डेड बॉडी मिली थी जिनको बहुत ही ब्रूटली तरीके से मारा गया था। और इवान को लगता था कि अर्नेस्ट इसी बात का पता लगाते हुए उस हाउस में गया होगा। अर्नेस्ट ने अपने हैंडमेड बुक में उस घर के बारे में कुछ बातें भी लिखी हुई थी और जॉन इवान को उस घर में जाने को कहता है और इससे उसे उसके प्रोजेक्ट में हेल्प मिलेगी। इवान भी उस घर में जाने वाला था, लेकिन कैरन को घर में जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसके बाद रात को इवान को फिर से वही पर्सन नज़र आता है जो कि पास के अपार्टमेंट से उसके ऊपर नज़र रखे हुआ था। और इवान ये बात जॉन को भी बताता है, लेकिन जॉन इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। फिर अगले दिन जॉन कैरन को रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करता है और कैरन भी जॉन को शादी के लिए हाँ कह देती है। लेकिन उन दोनों को ये बात बिल्कुल भी नहीं पता थी कि कुछ ही देर के बाद में उनकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली थी। अब इधर इवान जब रूम में था तो कोई उसके दरवाजे के पास एक एनवलप छोड़कर जाता है और जब वो दरवाज़ा खोलकर देखता है तो बाहर कोई नहीं था। उस एनवलप में एक लड़की की फ़ोटो थी जिसके हाथ में अर्नेस्ट की वही बुक थी। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जेयर थी, जिसे उस मास्क मैन ने मूवी के फर्स्ट सीन में ही मार डाला था। तभी वहाँ पर जॉन और कैरन आते हैं और इवान से अपने एंगेजमेंट की बात शेयर करते हैं, लेकिन इवान को उनकी बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इवान उनको वही फ़ोटो दिखाता है और अब इवान को लग रहा था कि कोई उसे जानबूझकर उस घर में भेजना चाहता है और हर समय कोई उसके ऊपर नज़र रखे हुए भी है। ऊपर से पास के अपार्टमेंट का वो आदमी हर रात को घंटों तक उनके रूम की तरफ देखता रहता है। लेकिन कैरन और जॉन को ये बातें भी नॉर्मल लग रही थी और इस बात को लेकर कैरन और जॉन इवान से थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। फिर उसके बाद इवान उसी हवाना हाउस में जाता है और लड़के की फ़ोटो के साथ उस घर को मैच करने की कोशिश करता है, जिससे कि उसको पता चलता है कि वो फ़ोटो उसी घर के बाहर ली गई थी। इवान ये बात जाकर जॉन और कैरन को बताता है और इवान के मुताबिक वो लड़की भी अर्नेस्ट की उस बुक की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसी घर में गई थी। और अगर अभी बुक उसके पास में है तो लड़की कहाँ पर होगी और क्या अब तक उस लड़की को उस घर की मिस्ट्री के बारे में पता चला होगा। इवान की सारी बातें सुनकर कैरन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो तो यहाँ पर वेकेशन मनाने और अपने एंगेजमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आई थी, लेकिन इवान की इन बातों की वजह से वो दोनों कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए कैरन अब अपना घर जाना चाहती थी। इवान भी अब उस हवाना हाउस में जाना चाहता था, तो इसलिए कैरन और जॉन उसके साथ में उस घर में चले जाते हैं ताकि एक बार से ही इवान के सारे डाउट क्लियर हो जाए और उसके बाद में वे लोग अपना वेकेशन एंजॉय करेंगे। इवान जब उस दिन आया था तो वहाँ का डोर लॉक था, लेकिन जॉन एक ही बार में डोर के लॉक को खोल देता है और उसके बाद तीनों घर को एक्सप्लोर करने लगते हैं। तीनों जब एक रूम के अंदर जाते हैं तो रूम का डोर अचानक अपने आप ही बंद हो जाता है। वो तीनों उस डोर को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो डोर अब नहीं खुलता है, तो इसलिए तीनों उस घर से निकलने के लिए कोई और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी उनको एक दीवार पर अर्नेस्ट की वही लाइन लिखी हुई दिखाई देती है और ये लाइन वही थी जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। इवान इस बात से हैरान था कि वहाँ पर वो लाइन कैसे लिखी हुई है। अब अचानक वहाँ की लाइट ऑफ होकर अपने आप ऑन भी हो जाती है,
जो बात उन्हें बहुत अजीब लगती है। फिर एक एक करके फिर से लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और उन्हें वहाँ पर कुछ साइन मिलते हैं जो कि उन्हें किसी तरफ जाने को बोल रहे थे। फिर तीनों उन्हीं साइन को फॉलो करके एक रूम तक आ जाते हैं। कैरन और जॉन उस रूम में घुस जाते हैं और इवान उस रूम के बाहर रुकता है। फिर अचानक रूम का डोर लॉक हो जाता है और लाइट भी ऑफ हो जाती है। जॉन और कैरन डोर को खोलने के लिए इवान से हेल्प मांग रहे थे, लेकिन इवान भी उस डोर को नहीं खोल पा रहा था। अब अचानक रूम की लाइट ऑन हो जाती है और अंदर जॉन और कैरन को कुछ मास्क किलर दिखाई देते हैं जिनके हाथों में हथियार थे। और तभी वहाँ पर लगे हुए स्पीकर से एक अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट करने वाला आदमी उन्हें कहता है कि उनके पास में 60 सेकंड हैं वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए, और अगर वे नहीं भाग पाए तो वे लोग उनका शिकार बन जाएंगे। उसी समय रूम के अंदर का एक डोर खुलता है जहाँ से कैरन और जॉन भागते हैं और सभी मास्क किलर उन तीनों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं। इवान बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हुए एक रूम तक आ गया था जहाँ पर एक वेंटिलेशन था। फिर अचानक एक ट्रैप इवान की बॉडी के ऊपर आकर गिर जाता है जिससे कि वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी एक मास्क किलर इवान को मारने के लिए उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन तब तक इवान ने खुद को उस ट्रैप से जुड़ा लिया था और वो अब मास्क किलर से बचकर भागने लगा था। फिर इधर जॉन और कैरन जिस तरफ भी भाग रहे थे वहाँ पर उनको मास्क किलर मिल रहे थे, और एक मास्कमैन जॉन के ऊपर क्रॉसबो भी चलाता है जिसका एरो जॉन के पैरों के आर पार हो जाता है, जिस वजह से जॉन को भागने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। और अब कैरन जॉन को संभालती है और उसे अपने साथ में ले जाने लगती है। दूसरी तरफ इवान एक स्टोर रूम में छिपा हुआ था और वहाँ पर एक डेड बॉडी भी पड़ी हुई थी, और एक मास्कमैन वहाँ पर आकर हर जगह तलवार चलाने लगता है ताकि अगर इवान वहाँ पर छुपा हुआ हो तो बाहर आ जाए। और अपनी जान बचाने के लिए इवान एक हील वाली सैंडल किलर के लेग में घुसाकर उस रूम से भाग जाता है। वो किलर थोड़ा जख्मी हो गया था, लेकिन वो खुद को संभाल कर फिर से इवान को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। फिर भागते भागते इवान जॉन और कैरन से मिलता है, और कैरन यहाँ पर जॉन के पैर से एरो निकालकर उसके ऊपर पट्टियाँ बांधती है। उस रूम में दो डोर थे, वो दोनों ही डोर से दो मास्क मैन अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। और तब कैरन रूम के एसी डक्ट को खोलकर उसके अंदर से जॉन और इवान के साथ में दूसरे रूम की तरफ जाने लगती है। एक मास्क मैन ने तो डोर को तोड़ दिया था और उसके बाद में वो भी उस एसी डक्ट से उनका पीछा करने लगता है। और जिस रूम के एसी डक्ट से कैरन निकलती है वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप लगे हुए थे। कैरन और जॉन उस ट्रैप से बचकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन इवान उस ट्रैप में फंस जाता है जिससे कि वो और ज़्यादा जख्मी हो गया था। और अब यहाँ पर दो और मास्क मैन आ चुके थे, एक एसी डक्ट से बाहर आ चुका था और एक रूम का डोर खोलते ही उन पर क्रॉसबो चलाता है, और लकीली तीनों उस क्रॉसबो से बच जाते हैं। जॉन ने उस क्रॉसबो वाले मास्कमैन को पकड़कर उसे जान से मार दिया था जो कि असल में एक लड़की थी। फिर दूसरा मास्कमैन ट्रैप में फंसे इवान को मारने वाला था, लेकिन जॉन ने उसके ऊपर क्रॉसबो पॉइंट कर रखी हुई थी तो इसलिए वो किलर इवान को नहीं मारता है। जॉन उससे पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, जिसके जवाब में किलर ये बोलता है कि उसको बस इस गेम को कंटिन्यू करना है। ये कहकर वो मास्कमैन इवान को मारने वाला था, लेकिन जॉन उसके ऊपर क्रॉसबो चलाकर उसे जान से मार डालता है। फिर उसके बाद में दोनों इवान को ट्रैप से निकालकर आगे बढ़ते हैं। फिर से वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है जो कहती है कि जॉन और कैरन को जान से मार दो और गेम को ख़त्म करो। और ये वही आदमी था जो कि अपार्टमेंट से उनके ऊपर नज़र रखे हुआ था। उस घर में भी वो पर्सन सीसीटीवी कैमरा से सभी के ऊपर नज़र रखे हुआ था, और वो उस गेम को कंट्रोल कर रहा था और किलर को ऑर्डर दे रहा था। साथ ही उस पर्सन के हाथ में हम उसी अर्नेस्ट की वो बुक को देख पाते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किलर मरा नहीं था। वो उस एरो को अपनी बॉडी से निकाल कर फिर से उन तीनों को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। इधर तीनों एक रूम में जाते हैं और उस रूम के अंदर पानी था। कैरन उस रूम के स्टेयर के ऊपर चढ़कर दूसरे डोर को ओपन करने की कोशिश कर रही थी। इवान को उसी पानी में छोड़कर डोर को खोलने के लिए जॉन भी स्टेयर के ऊपर चढ़ जाता है, और तभी वही किलर आकर उस रूम का डोर लॉक कर देते हैं क्योंकि उस रूम के पानी में इलेक्ट्रिक वायर थी और टाइमर ख़त्म होने पर पानी में करंट ऑन हो जाएगा, तो इसलिए इवान स्टेयर के ऊपर आने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले टाइमर ख़त्म हो जाता है और इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से इवान की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जॉन और कैरन रूम का दूसरा दरवाज़ा खोलकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक रूम तक आते हैं।
उस रूम में लोगों के बॉडी पड़ते हैं और उनकी स्किन भी लटकी हुई थी। वहाँ पर एक मास्कमैन किलर आकर कैरन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन जॉन उस किलर को रोककर उससे लड़ाई करता है। कैरन भी उस रूम में मिले हुए एक चाकू से उस किलर के ऊपर वार करती है और जॉन उस किलर का हथियार उसके ऊपर पॉइंट करके उसका मास्क हटा देता है और वो उससे उस जगह के बारे में पूछता है। किलर उनको बस यही कहता है कि वे लोग खुद ही अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बुक को फॉलो करके इस गेम में घुसे हुए हैं और गेम से निकलने का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। अनाउंसमेंट करने वाला पर्सन भी उनको बोल रहा था कि वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है और कैरन के कहने पर जॉन उस किलर को मारे बिना वहाँ से दूसरे रूम की तरफ चला जाता है। इसके बाद दोनों उसी बेसमेंट वाले रूम में आ गए थे जहाँ पर मूवी के पहले सीन में जेर को मारा गया था। इधर उसे जख्मी किलर के पास में दूसरा मास्कमैन आ जाता है और उस गेम में सभी मास्कमैन की आइडेंटिटी सीक्रेट थी, लेकिन इस मास्कमैन का फेस अब सबके सामने आ चुका था, तो इसलिए दूसरा मास्कमैन किलर उस किलर का गला काटकर उसे जान से मार डालता है। और मूवी का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्क्विड गेम जैसा ही था। दूसरी तरफ जॉन और कैरन जब उस बेसमेंट वाले रूम में थे तो वहाँ पर वही किलर आकर कुल्हाड़ी से पहले तो जॉन को मार डालता है, फिर कैरन के भी सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर के बाद में जब कैरन की आंखें खुलती है तो वो एक ऑपरेशन थिएटर जैसे रूम में खुद को बेड से बंधी हुई पाती है। तभी वहाँ पर वही मास्कमैन आता है और वो एक हथियार उठाता है जिससे कि वो कैरन के पैर को धीरे धीरे काटने लगता है, लेकिन बीच में ही वो रुक जाता है और एक बड़े से ब्लेड से कैरन के फेस पर कट मारने लगता है। और उसी समय कैरन ने अपने हाथों को छुड़ा लिया था, जिसके बाद में वो सामने पड़े हुए चाकू को उठाकर उस मास्कमैन के गले में घुसा देती है, लेकिन फिर भी वो मास्कमैन कैरन को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी कैरन उसी चाकू को किलर की आंखों में घुसा देती है जिससे कि वो किलर वहीं पर मारा जाता है। अब यहाँ पर हम कंट्रोल रूम में बैठे हुए उस पर्सन को देखते हैं जिसका नाम मोंटी था, जो कैरन की हिम्मत देखकर उससे बहुत ही इम्प्रेस हो गया था। मोंटी की बातों से हमें पता चलता है कि गेम का मास्टरमाइंड कोई और है और अर्नेस्ट की बुक को मोंटी 48 घंटों के बाद किसी और सिटी में भेजने वाला था ताकि उस बुक के जरिए अगले टारगेट को फंसाकर उसे इस गेम में लाया जाए। अब गेम के तीनों मास्कमैन किलर मारे जा चुके थे और कैरन उसी बेसमेंट में आती है और उसे कहीं भी बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। उसे पता था कि कैमरा से उसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी, तो इसलिए कैरन वहाँ पर मरने का नाटक करती है और तब उसे देखने के लिए मोंटी वहाँ पर आता है। मोंटी कैरन का गला काटने वाला था कि तभी कैरन उठकर मोंटी के ऊपर वार करती है और उससे तलवार छीनकर उसी तलवार से मोंटी को जान से मार डालती है। फिर उसके बाद किसी तरह जैसे तैसे रास्ता ढूंढते हुए कैरन उस हवाना हाउस से बाहर आती है। सीन कट होता है और कुछ दिनों के बाद में कैरन की रिपोर्ट पर हवाना हाउस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने आती है, लेकिन वहाँ पर पहले जैसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ से जॉन, इवान, मास्कमैन और मोंटी की डेड बॉडी भी गायब हो चुकी थी और कैरन की बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। कुछ दिनों के बाद कैरन अकेली न्यूयॉर्क वापस आ जाती है। अब उसने अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक रात को कैरन अपने घर में उन्हीं किलर के मास्क को देखती है, जिससे कि कैरन बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। तभी उसके पास में जिम आता है, जो कि उसे गेम से जिंदा वापस निकलने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, लेकिन गेम के बारे में पुलिस को बताकर कैरन ने रूल तोड़ दिया था। जिम कैरन को 2 घंटे का टाइम देता है उनसे दूर भागने के लिए, नहीं तो वे लोग फिर से उसी गेम को शुरू कर देंगे। कैरन को समझ में आ गया था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन उनसे दूर नहीं भाग पाएगी क्योंकि गेम के लोग उसका पता लगा लेंगे। फिर कैरन के सामने उस गेम की सारी डरावनी यादें आने लगती है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी एक गेम के ऊपर बनी हुई है जिसमें शिकार इंसानों का होता है और ये गेम एक फेमस नॉवलिस्ट अर्नेस्ट हेमिंग्वे की बुक के ऊपर बनाया हुआ था। इस गेम का असली मास्टरमाइंड कौन था ये किसी को भी नहीं पता था, और जिस किसी को भी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की वो हैंड रिटन बुक मिलती थी वो उस गेम में फंस जाता था। जैसा कि इवान हवाना हाउस को पता लगाने के लिए इस गेम में फंस गया। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।